हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल यूआर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019-20 का रिजल्ट आउट हो गया है। आप दोस्तों, इस रिजल्ट में घापला हुआ है, धांधली हुई है, आपको पता है जो कुछ भी हुआ है वो सब आपको पता है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बता दें, आपको जो मार्क्स हैं वो तो पता चलने चाहिए ना कि आखिरकार आपको कितने मार्क्स मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट का कहना है कि रिजल्ट में घपला हुआ है, हमारे मार्क्स इतने थे, सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आपको बता दें, यदि आपको जानना है कि आपके मार्क्स सच में कितने थे, आपका कारण किस, आपका जो सिलेक्शन है वो किस कारण नहीं हुआ है, तो दोस्तों इसका एकमात्र उपाय है, वो है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, मतलब कि आपका सूचना का अधिकार 2005, जिसके तहत आप किसी भी विभाग डिपार्टमेंट को RTI लगा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि मेरे मार्क्स इतने कम, मतलब मेरे मार्क्स आए हैं तो कितने आए हैं, या फिर मेरा सिलेक्शन किस कारण नहीं हुआ। दोस्तों हाँ, आप कर सकते हैं। दोस्तों इसी को चलते हुए मैंने बोला था कि आप ऑनलाइन RTI लगा सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन RTI मैंने बहुत से कैंडिडेट की लगाई है, और आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको ऑनलाइन RTI के लिए लिंक होगी, आप लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों किसी कारणवश यदि आप ऑनलाइन RTI लगाने में असमर्थ हैं, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जा रही है, तो दोस्तों आप ऑफलाइन RTI भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों ऑफलाइन RTI कैसे लगाते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके फॉर्म पे लेकर चलता हूँ और आप देख सकते हैं कि आप कैसे इसको फिल करेंगे। लेकिन दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, साइड में बेल आइकन होगा उसको भी दबा दें, और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके जैसे और भी जो मित्र बहन भाई हैं, सभी की हेल्प हो, अधिक से अधिक हेल्प हो। ओके, चलिए देखते हैं। अब दोस्तों आपको ऑफलाइन RTI लगाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होगी किसकी, आपको आवश्यकता होगी ऑनलाइन फॉर्म की, मतलब कि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको इस फॉर्म की आवश्यकता होगी। अब दोस्तों आपको इस फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, तो दोस्तों चूंकि आपकी जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए RTI आप लगा रहे हैं, तो इसका डिजाइन शेड्यूल थोड़ा अलग रहेगा अदर RTI की अपेक्षा। तो फ्रेंड्स, आप हो सकता है तो यहीं से भी डाउनलोड कर लें, मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी है, आपको चार्जेस देंगे और आपको ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, ऑनलाइन ऑफलाइन आप जैसे चाहे वैसा RTI लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको क्या, सबसे पहले यहाँ पर भरना है सेवा में मुख्य जन्म सूचना पदाधिकारी, आप विभाग का पता भरना है आपको, आप किस विभाग में RTI लगा रहे हैं। यहाँ पर विषय सूचना के अधिकार कानून 2005, RTI के अंतर्गत निम्न वांछित सूचना हेतु, अब क्या सूचना, मतलब आपको यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम लिखना है, आवेदक का नाम जो कि आपके एडमिट कार्ड में है, मोबाइल संख्या लिखनी है ताकि आपको कुछ रिप्लाई आ सके, और ईमेल का पता देना है जिससे कि वो आपसे कांटेक्ट कर सके, यदि भविष्य में कुछ आपका दिक्कत जा रही, प्रॉब्लम जा रही, या फिर आपसे कुछ भी आपको रिप्लाई दें तो वो आपकी ईमेल आईडी पर दे सकते हैं। अब आपको यहाँ पर लिखना है वो जो कि आपका मैटर है, मतलब क्या, मांगी गई सूचना का ब्यौरा। अब दोस्तों आपको पता करना है कि सर मेरे मार्क्स कितने हैं, मेरे जो कांस्टेबल का रिटर्न एग्जाम हुआ है उसमें कितने मार्क्स आए हैं, इसका कट ऑफ किया गया है, और क्या कारण है जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आपको अपना रोल नंबर डालना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, इतना सब कुछ आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इतना डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आप वांछित सूचना मेरे रजिस्टर्ड पते पर डाक द्वारा उपलब्ध कराएं, जैसे कि आपने उनसे बोला है, यहाँ पे जे डाला है फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें, आप जब ऑफलाइन RTI लगाएंगे तो आपको यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टेस्ट लगता है, टैक्स लगता है 10 रुपीज, अब स्टेट का कितना लग रहा है वो वहीं पे पता चलेगा आपको, यहाँ पर डाकघर में जाके। तो दोस्तों आपको यहाँ पर शुल्क विवरण देना है, मतलब का शुल्क का भुगतान पोस्टल ऑर्डर, यहाँ पे नगद द्वारा कार्यालय में अदा किया, पोस्टल ऑर्डर संख्या, दोस्तों यहाँ पर ऑब्लिक लगाना भूल गए शायद, आप लगा सकते हैं ऑर्डर नगद जैसा भी हो, है ना। तो दोस्तों आपको यहाँ पर उसकी संख्या लिख देनी है, और इसके बाद आपको दिनांक डाल देनी है। यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे तो यदि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता तो संबंधित विभाग को प्रेषित करें, यदि आप गलती कर देते हैं, मतलब कि किसी और डिपार्टमेंट को आपको भेजना था और आपने किसी और को भेज दिया, तो उनसे आपने रिक्वेस्ट की है कि यदि आपके यहाँ पर आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता तो आप दूसरे डिपार्टमेंट को प्रेषित कर दें, भेज दें। अब लास्ट में क्या है, मैं भारत का नागरिक हूँ, कृपया मांगी गई जानकारी अति शीघ्र उपलब्ध कराएं, ऐसा अपनी तरफ से आपको भेजना है, और यहाँ पर भवदी आपका नाम डालना है और पूरा पता भरना है। दोस्तों पूरा पता अच्छे से भरिएगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो उनको रिटर्न करने में। आप दोस्तों आपको एक लिफाफा लेना है, लिफाफे के अंदर इसको रख देना है, और बाकायदा यदि आप हो सके तो अपने एडमिट कार्ड की कॉपी इसके साथ लगा दें। ओके, एंड इसके साथ साथ उस लिफाफे के ऊपर आपको एड्रेस डाल देना है जहां पे आपको सेंड करना है, जिस जगह आपको सेंड
करना है। इतना सब कुछ करने के बाद दोस्तों आपको बता दें आपके करीबन यहाँ पर कितना खर्च आ जाएगा, समथिंग समथिंग वही आ जाएगा जैसा आपका ऑनलाइन है वैसे ही आपका ऑफलाइन है। 10 का आपको जो चार्ज मतलब कि इसका देना होगा, किसका फॉर्म का, फिर करीबन 10 के समथिंग आपको वो देना होगा इसका पोस्टल चार्ज मतलब कि आप ऑर्डर करेंगे, 20 हो गया आपको 10 के समथिंग समथिंग लिफाफे पड़ेंगे। और दोस्तों फिर यदि आप पोस्ट स्पीड पोस्ट करते हैं कुछ भी करते हैं तो इस प्रकार से आपका 50 रुपीज चार्ज हो जाएगा समथिंग समथिंग। और इसमें थोड़ा यही है कि इसका टाइम लगता है आने में, रिस्पॉन्स हो सकता है आपका महीने भी लग जाए, है ना, महीने से ज्यादा भी लग जाए, कुछ गारंटी नहीं रहती क्योंकि यह ऑफलाइन प्रक्रिया है। यदि आप ऑनलाइन करते हैं तो उसमें ऐसा है कि जल्द से जल्द आपका आता है रिस्पॉन्स, और आप जानते ही ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और मात्र 2-5 रुपए देकर आप इसको प्रिंट करवा लेना, आपके यहाँ पर कहीं पे भी जाना कैफे पे प्रिंट हो जाएगा। ओके हाँ, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रही है, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पर 9 रुपीज चार्ज देने होंगे आपके फॉर्म डाउनलोड करने के। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे, तो चलिए फ्रेंड्स इस पर क्लिक करते हैं बॉय नाउ पर। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, आपको यहाँ पर अपना नाम डाल देना है जो आपका नाम है, यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी डाल देनी है जो आपकी ईमेल आईडी हो ट्रू, ताकि दोस्तों आपको किसी भी हालत में आपके पास ये फॉर्म तो पहुंच ही जाएगा फिर भी आपसे कॉन्टेक्ट करने के लिए यहाँ पर ईमेल आईडी वगैरह आ जाए। इसके बाद आपको डालना है क्या, फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर आपका जो कुछ भी है, एंड इसके साथ साथ फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और आपके पास ये फॉर्म पहुंच जाएगा, आप इसको प्रिंट करवाना 2-5 रुपए देकर और भरकर और इसको फिल करके आप सेंड कर सकते हैं आरटीआई। तो दोस्तों आपको ऐसे डाउनलोड का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष फॉर्म आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे मेरे पास फॉर्म आ गया है बाकायदा, आप देख सकते हैं, और आप इसको प्रिंट करवा लेना। ओके तो फ्रेंड्स यदि आप चाहते हैं कि ऑनलाइन आईटीआई कैसे करें सर, तो इसके लिए आपको जाना होगा वीडियो के यहाँ पर कॉर्नर पे, वीडियो के आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको देखिए और मस्त आप कैसे भी करके आईटीआई जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों आपने इतनी मेहनत की है, जी जान किया है, जी जान से आपने मेहनत की है, खून पसीना एक किया है, और आखिरकार आपको ये भी पता ना चले कि आपको नंबर मिले हैं तो कितने मिले हैं, और आखिरकार आपका कारण क्या रहा जिससे सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको आईटीआई जरूर से जरूर करनी चाहिए, और यदि आपके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं तो आप आगे बिल्कुल एक्शन ले सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स लेते हैं आपसे विदा, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।